दोस्तों गुलदान कितना भी खूबसूरत हो, गुलदान मतलब फ्लावर पॉट, और अगर उसमें फूल नहीं हो तो उसका क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं है। लेकिन बिहार सरकार में ऐसा ही कुछ किया जा रहा है। पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री से बिहार सरकार ने मदद मांगी है, और पंचायती राज मंत्री जो है सम्राट चौधरी केंद्रीय मंत्री से बिहार में पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए मदद मांगा गया है। और वो मदद इसलिए मांगा गया है क्योंकि कि हमारे जो पंचायत प्रतिनिधि है जो 85% जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनके लिए सुसज्जित ऑफिस और कार्यालय हो, इसके लिए यह पंचायत सरकार भवन बनाया जा रहा है। लेकिन जब चुनाव नहीं हुआ है, जब पंचायत प्रतिनिधि ही नहीं रहेंगे, तो यह भवन किस काम का? हम पूरी खबर पर नजर डालेंगे दोस्तों, और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही जानकारीपूर्ण वीडियो है और तुरंत करेंट अफेयर से संबंधित है। तो हम शुरू करने से पहले आपसे ही गुजारिश करते हैं कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं जानकारी लेकर आऊं तो सबसे पहले आपको मिल जाए। बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, आपको तुरंत जानकारी मिल जाएगी, आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। दोस्तों राज्य सरकार विभिन्न संस्थाओं के मदद से लगभग 3200 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कर रही है। केंद्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज एवं स्वच्छता एवं पेयजल मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से राज्य में लगभग 8000 पंचायतों में भवन बनाने के लिए मदद मांगी गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री जो हो गए नरेंद्र सिंह तोमर से हमारे बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने 8000 भवनों को, पंचायत सरकार भवन को निर्माण के लिए मदद मांगी है। उसने कहा कि राज्य में लगभग 85% आबादी का सीधा प्रतिनिधित्व एक ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि करते हैं, और ये प्रतिनिधि 85% जनता को प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों को पंचायत सरकार सशक्त बनाना चाहती है। आप ये समझिए कि गांव में जो बिहार की जितनी आबादी है उसके 85% आबादी का प्रतिनिधित्व पंचायत सरकार करती है, और पंचायत सरकार को इसलिए सशक्त होना चाहिए, ऐसा मंत्री जी कह रहे हैं। आपको हम बता दें कि शुक्रवार को वर्चुअल मीटिंग हुई थी केंद्रीय मंत्री के साथ। दिल्ली के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आदर्श सिटीजन चार्टर का लोकार्पण किया था, जिसमें हमारे बिहार से पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सहित अन्य राज्यों के मंत्री शामिल हुए थे। जो वर्चुअल जो कार्यक्रम हुआ था, इसमें आदर्श सिटीजन चार्टर की बात की जा रही थी, पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा सशक्त बनाने के लिए और उसे लोकोन्मुख बनाने के बनाना सरकार की प्राथमिकता है, नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया। इसलिए इन मंत्रियों को मीटिंग की थी और इनसे पूछा था कि आपको किस चीज की आवश्यकता है और बताइए, अपनी समस्याओं को रखिए। 60% ग्रामीण आबादी तक हेल्थ, सैनिटाइजेशन, एजुकेशन, पोषण और शुद्ध पेयजल पहुंचाने का यह कार्यक्रम बनाया गया है, जो अदर सिटीजन चार्टर की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, पंचायत सरकार पर जिम्मेवारी है, इन्हीं के लिए यह कार्यक्रम बनाया ही गया है। तो इस पर जो है हमारे सम्राट चौधरी ने, हमारे मंत्री जी ने नरेंद्र सिंह तोमर से कहा कि हमारे राज्य में 4500 पंचायतों में आरटीपीसी काउंटर कार्यरत है, खुले हुए हैं,
बचे हुए 3500 पंचायतों में भी 15 अगस्त तक आरटीपीसी काउंटर खोल दिया जाएगा। आप कमेंट में बताइएगा आपके आपके पंचायत में आरटीपीसी काउंटर खुला रहता है क्या? आपको जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, किसी तरह के प्रमाण पत्र बनाने के लिए क्या आपको प्रखंड कार्यालय नहीं जाना पड़ता है, पंचायत से बन जाता है? कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मंत्री जी को भी बताया जा सके कि आपकी बातें कितनी सही है। कोरोना काल में 15वें वित्त आयोग की राशि से, मंत्री जी ने बताया है कि कोरोना काल में 15वें वित्त की राशि से ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, जिसको कहते हैं ऑक्सीजन सांद्रक भी कहते हैं, कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जा रहा है। मंत्री जी का ऐसा दावा है कि 15वीं वित्त की राशि से पंचायतों द्वारा इतने कार्य गांवों में किए जा रहे हैं। प्रत्येक परिवार को 6 मास्क और पूरे गांव को सैनिटाइजेशन करवाया जा रहा है 15वीं वित्त की राशि से, मंत्री जी का ऐसा दावा है। कॉमेंट में बताइएगा आपका पंचायत सैनिटाइज हुआ कि नहीं और आपके यहाँ मास्क मिला कि नहीं मिला, ये जरूर बताइएगा, क्योंकि मंत्री जी का ऐसा दावा है और केंद्रीय मंत्री के सामने इन्होंने ऐसा दावा किया है, ऐसा बोला है जो मीडिया रिपोर्ट बता रही है। तो दोस्तों मेरा सवाल यही है कि भवन खूब अच्छा बन जाएगा लेकिन जब उसमें चुने हुए लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रतिनिधि नहीं रहेंगे तो उस भवन का क्या मतलब है? और योजनाएं और नीतियां तो बनती है, जैसा मंत्री जी का दावा है कि अधिकतर जगह आरटीपीसी काउंटर काम कर रहा है, 15 अगस्त के बाद सब बाकी बचे 3300 पर भी काम शुरू हो जाएगा, आरटीपीसी काउंटर काम करने लगेगा। अगर आरटीपीसी काउंटर काम कर रहा है तो जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जनता है उनको कार्यों के लिए प्रखंड मुख्यालय में दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर उनका सब प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र हो गया, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र उनको अगर उनके गांव में, उनके पंचायत में आरटीपीसी काउंटर से मिल जा रहा है तो यह क्रियाकलाप सही है, और अगर नहीं मिल रहा है तो इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। मंत्री जी जीरो टॉलरेंस अपनाने की आवश्यकता है। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके यहां आरटीपीसी काउंटर पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको 6 मास्क मिले कि नहीं मिले, और आपके यहां 15वीं वित्त के पैसे से कितने ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आए हैं या लगाए गए हैं? आप यह भी कमेंट में बताइएगा कि आपका पंचायत को सैनिटाइज किया गया है कि नहीं किया गया है। दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें, इसी तरह पंचायतों से जुड़ी अन्य खबरों, अन्य जानकारी हम आपको देते रहेंगे। अब आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।